इसका वजन कितना है बच्ची का? 9.5 किलो। आपको कैसे पता चला कि हमारी बच्ची कुपोषित है? पहले तो हाथ पैर को छीन दी थी, अब धीरे धीरे मैं हाथ पैर में छीन दी हो सकती है। ये कुपोषित हुई है उसके बाद में आंगनवाड़ी से कोई आया है यहाँ पे? नहीं, हमारे ऐसा कोई नहीं आया, बिना माने में नहीं है क्या कुपोषण है। आंगनवाड़ी सेंटर का कहना है कि हमारे यहाँ पे कुपोषित बच्चे ही नहीं है। मैंने जब हॉस्पिटल में जांच की तो उन्होंने बताया कि मैडम हमारे यहाँ पे हर साल 300 से लेकर 400 तक बच्चे कुपोषित आ रहे हैं, जबकि हमारे भारत में कुपोषित को लेकर हर वार्डों में आंगनवाड़ी खोले गए हैं, मिनी आंगनवाड़ी खोले गए हैं, जिससे सहयोगनियाँ सर्वे करें, बच्चों का वेट करें और बच्चों को पोषाहार दें। सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं चल रही हैं लेकिन हमारी करौली में आज तक उन बच्चों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। यहाँ से मेडिसिन पूरी फ्री हैं और एडमिशन टिकट सारे फ्री हैं और इन्वेस्टिगेशन सारे फ्री होते हैं उनके, और किचन से खाना वगैरह मिल जाता है। एक साल के बच्चे का नॉर्मली वेट 9 किलो के आसपास होता है, जैसे बर्थ पे हम नॉर्मली 3 किलो वेट मानते हैं, 5 महीने पे दुगना हो जाना चाहिए, 1 साल पे तिगुना हो जाना चाहिए। कितने साल की बच्ची है? ये 5 साल की हो गई। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आंगनवाड़ी से आपको? दलिया मिलता है, कश्मीरी मिलता है। और ये बच्ची कितने दिन से बीमार है आपके? 1 महीना सा होगा। कितने दिन से एडमिट है? 11 दिन हो गए। और कितने बच्चे हैं आपके? आपका 4 लड़की है, 1 बच्चा है, 2 लड़की खत्म हो गई। कोमल जो कि कुपोषित का शिकार है, वो 5.5 साल की बच्ची है लेकिन उसका वेट 9 किलो है। यदि इसी तरह कुपोषित बच्चे होते ही रहेंगे तो हमारे भारत का कोई विकास नहीं हो पाएगा। महिला बाल विकास विभाग द्वारा हर वार्ड में खोले गए हुए आंगनवाड़ियों की सहयोगनियाँ अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः निभाएं, जिससे हमारे करौली में हर साल 300 बच्चे कुपोषित का शिकार हो रहे हैं उनको आराम मिल सके। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।